माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे द यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जूस स्पेसक्राफ्ट के बारे में। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 14 अप्रैल को जूस स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। बता दें कि स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने का मकसद जुपिटर का काफी ठंडा माने जाने वाला चंद्रमा का निरीक्षण करना है। इस मिशन के तहत जुपिटर के 3 आइसी मून्स को एक्सप्लोर किया जाएगा और इनमें शामिल होंगे यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। हालांकि इस मिशन के तहत इस बात का निरीक्षण किया जाएगा कि ये तीनों चंद्रमा रहने लायक हैं भी या नहीं। बताया जा रहा है कि ये सवाल कई सालों से खगोल शास्त्रियों के बीच मंडरा रहा है, क्योंकि जुपिटर के चंद्रमा के सतह पर महासागर होने के कुछ सबूत पहली बार सन 1990 में गैलीलियो मिशन के दौरान दिखा था। आपको बता दें, जूस स्पेसक्राफ्ट को यूरोप के स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया गया था, जिसमें 5 एरियन रॉकेट मौजूद थे। हालांकि ये लॉन्च खराब मौसम के चलते अपने पूर्व निर्धारित समय और तिथि से एक दिन बाद लॉन्च किया गया है। बता दें कि ये लॉन्च संपन्न होने के थोड़ी देर बाद स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो गया था। हालांकि ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर तक पहुंचने के लिए अपनी 8 वर्ष की लंबी यात्रा शुरू कर चुका है। ये स्पेसक्राफ्ट अपने इनर सोलर सिस्टम का चक्कर लगाएगा और ये वर्ष 2025 में वीनस को अलविदा कहेगा, जबकि वर्ष 2026 और 2029 तक ये धरती के ऑर्बिट को पूरी तरीके से छोड़ देगा। इसके बाद ये जुपिटर की तरफ बढ़ेगा ताकि वर्ष 2031 तक ये वहां सफलतापूर्वक पहुंच सके। हालांकि जुपिटर का चंद्रमा गैनीमेड, यूरोपा और कैलिस्टो के बारे में बताया जाता है कि इनके बर्फीले सतह के कई मील नीचे समुद्र होने की आशंका है। हालांकि इस मिशन के तहत जूस स्पेसक्राफ्ट इन चंद्रमा की सतह पर जीवन के आसार से संबंधित कोई जांच पड़ताल सीधे तौर पर नहीं करेगा, बल्कि यहां उपस्थित जीव विज्ञान से संबंधित जरूरी तत्व जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को लेकर अपना निरीक्षण शुरू करेगा। हालांकि जुपिटर के चंद्रमा की सतह वाकई रहने लायक है या नहीं, इससे पहले वैज्ञानिकों को पूरे जुपिटर के वायुमंडल को समझना होगा और इसके लिए जुपिटर की संरचना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इत्यादि को विशेष रूप से जानना होगा। बहरहाल ये जूस स्पेसक्राफ्ट अगले आने वाले 8 सालों में जुपिटर और उसके चंद्रमा से संबंधित किन किन रहस्यों से पर्दा उठाएगा, इसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मानव सभ्यता का दूसरी दुनिया को लेकर निरंतर खोज जारी रखना बेहद ही सराहनीय है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।